इंट्रा स्क्वाड मैच में नेपाल पर भारी पड़ी बाबर की सेना। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने खेली अर्धशतक के पारी। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप भी शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंट्रा स्क्वाड मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने करी उन्हें देख विरोधी टीम के फरकच्चे उड़ गए। दोस्तों पाकिस्तान टीम ने एशिया कप से पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में नेपाल टीम के साथ अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए मैच खेला, जिसमें पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों के सामने नेपाल की टीम बौना साबित हुई। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की शुरुआत फखर जमान और इमामुल हक ने करी। दोस्तों हालांकि पाकिस्तान टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर पवेलियन लौट गए, लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। दोस्तों बाबर आजम ने आते ही एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। इसके बाद अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्का जड़कर नेपाल टीम की सामत लाने में लग गए। वहीं बाबर आजम आज एक अलग मूड में ही नजर आ रहे थे। इसके बाद भी बाबर आजम नहीं रुके, अगली 14 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक जड़ डाला। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। हालांकि बाबर आजम अर्धशतक जड़ने के बाद रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में खौफनाक 8 छक्के और 2 चौके लगाकर शानदार अर्धशतक जड़ डाला। वहीं मोहम्मद रिजवान ने भी 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों पाकिस्तान टीम ने निर्धारित ओवरों में 210 रन बना डाले, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम महज 53 रनों पर ढेर हो गई और ऐसे में पाकिस्तान टीम ने 157 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। तो दोस्तों क्या 30 अगस्त को होने वाले पाकिस्तान और नेपाल के बीच ऐसा रोमांच भरा मैच देखने को मिलेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।